गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट। एक है हमारा NCERT पैटर्न पर आधारित है संस्कृत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है ये हमारा मॉडल सेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, साइंस सभी का मॉडल सेट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट होता है ये हमारा मॉडल सेट एक है जो अति महत्वपूर्ण है। 2021 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में आपको 60 प्रश्न आपको दिए रहते हैं जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है जो 50 नंबर के होता है। आपका संस्कृत पेपर जो है 100 नंबर का होता है जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव सही अगर कर लेते हैं तो आपका 50 नंबर फिक्स है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा मॉडल सेट, इसलिए आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को रट लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मॉडल सेट एक है, हम आपको 5 मॉडल सेट बनाने वाले हैं जिसमें से आपका जो एग्ज़ाम में आपके 50 प्रश्न जो आते हैं, 60 आते हैं, 50 बनाने होते हैं, आपको इसी में से ही आएगा। दोस्तों ज़रूर इसको रट लें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर एक है हमारा, सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है, पूषण, गुरु, राम या शंकर। दोस्तों सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना पूषण से की गई है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन होता है जिसमें से आपका एक आंसर होता है। महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, साधक किसको पार करते हैं। साधक किसको पार करते हैं, मृत्यु को, अमृता को, सत्य को, जीवन को। तो साधक किसको पार करते हैं, मृत्यु को, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसके गीत देवता भी गाते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं, भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो मैं आपको बता दूं कि भारत देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है, रामायण, महाभारत, गीता या उपनिषद। सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो सुलभा का वर्णन जो है महाभारत में है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो आपके पास 4 ऑप्शन है।
नीति श्लोक के रचनाकार महात्मा विदुर है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद, देखिए ऑप्शन है हमारे पास, अनुजोड़ छेद, अनुत जोड़ छेद, अनुद जोड़ छेद, अनुजोड़ छेद। तो आपके पास जो है चार ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुजोड़ छेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य जोड़ चरित्र का संधि क्या होगा? सच, सत्य जोड़ चरित्र, सचित्र, सत्यवित्र या सचित्र या चरित्र। तो देखिए चरित्र, चरित्र यानी सत्य चरित्र, चरित्र सत्य जोड़ चरित्र, तो आपका हो जाएगा आंसर सचित्र, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर सचित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रत्नाकर का विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का विच्छेद क्या होगा आपका सवाल है। रत्नाकर, रत्नाकर का विच्छेद क्या होगा? रत्न जोड़कर, रत्न जोड़ आकर, रत्न जोड़कर, रतन जोड़कर। तो आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा रत्न जोड़ आकार, रत्नाकर का विच्छेद यानी कि रत्नाकर, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नी उपसर्ग किस शब्द में है? नी उपसर्ग किस शब्द में है? निरोग, निर्मल, नियम, निराकार। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि नी उपसर्ग, नी, नी रोग आपका जो है उपसर्ग है, नी रोग आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? अनजान, अज्ञान, अनुभव, अवनता। अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अनु, अनुभव, अनुभव आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, श्री गणेशाय नमः के पद में कौन विभक्ति है? श्री गणेशाय नमः के पद में कौन विभक्ति है? चतुर्थ, पंचमी, तृतीय, सप्तमी। चतुर्थ, पंचमी, तृतीय, सप्तमी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, श्री गणेशाय नमः में, श्री गणेशाय नमः में चतुर्थी पद विभक्ति है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दान के अर्थ में कौन विभक्ति होता है? दान के अर्थ में कौन विभक्ति होता है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय या पंचमी। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो दान के अर्थ में जो है चतुर्थीय विभक्ति होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहा है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहा है? राम लक्ष्मण को, राम सीता को, सीता राम को, सीता लक्ष्मण को। तो आपको हम बता दें कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम सीता को जो है संबोधित कर रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मृगा, पक्षी, नर या ऋषि। आपके पास चार ऑप्शन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में ऋषि लोग स्नान करते थे बहुत पहले, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान, हुएनसंग, मेगारस्थनिज
या इत्सिंग, चार ऑप्शन है आपके पास। तो यूनान का राजदूत मेगास्तनीज था, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, यमुना, सोन, गंगा, फल्गु। तो आपके पास है चार ऑप्शन है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था, वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र। तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र जो है आपका पाटलिपुत्र था, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, बीरेश्वर, विष्णु शर्मा, विद्यापति, चाणक्य। आपके पास है चार ऑप्शन है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार जो है विद्यापति हैं, पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, माता, पिता, भाई, बहन। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक जो है माता होती हैं, आप सभी जानते हैं कि माँ ही बच्चों को दुलार करती है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, पाटलिपुत्र वैभव शब्द में कौन सा समास है, पाटलिपुत्र वैभवम शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद या द्विगु। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि पाटलिपुत्र वैभवम शब्द में तत्पुरुष समास है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, देशाय भक्ति, देशात भक्ति, देशोभक्ति। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि देशभक्ति का विग्रह जो है देशात भक्ति होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व पद प्रधान किस समास में होता है, पूर्व पद प्रधान किस समास में होता है, तत्पुरुष, द्वंद, अव्ययी भाव, नज। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास में होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सखा किस शब्द का रूप है, सखी, सखा, सखीन, मित्रम। आपके पास चार ऑप्शन है, सखा किस शब्द का रूप है, सखा सखी होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है, राजसु, राज्याम, राजनाम, राज्य। तो राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन जो है आपका षष्ठी बहुवचन जो है राज्याम, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य बद, यहाँ बद में कौन सा लकार है, सत्य बद, यहाँ बद में कौन सा लकार है, लट लकार, लोट लकार, लेट लकार, लिट लकार। तो आपके पास है चार ऑप्शन है, तो सत्य बद में लोट लकार है, आपका यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भवंतु किस धातु का रूप है, भवंतु किस धातु का रूप है, भव, 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 भू, भवाति। तो आपके पास चार ऑप्शन है,
तो भवंतु जो है भू शब्द धातु रूप है, भू आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को, गार्गी को, सुलभा को, रामभद्रम्बा को? मैत्रेयी को, गार्गी को, सुलभा को, रामभद्रम्बा को? याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा जो है, आत्मतत्व की शिक्षा जो है आपको मैत्रेयी को दी थी, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीत प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीत प्रसिद्ध है? विभा राव, आभा राव, क्षमा राव, रमा राव? तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में क्षमा राव अतीत प्रसिद्ध है, क्षमा राव आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? आपके पास है चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से या धन से। तो आपके पास चार ऑप्शन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है आपको संस्कारों से होती है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म से पूर्व, गृहस्थ या विवाह या शिक्षा? सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है आपको बताना है, आपका आंसर हो जाएगा विवाह। विवाह में ही आपको सिंदूरदान किस क्या संबंध आपका आता है, आपका आंसर हो जाएगा विवाह सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, छत्राणम ध्यानम तप यह उपदेश राम परवेश राम को किसने दिया? छत्राणम ध्यानम तप यह उपदेश राम परवेश राम को किसने दिया था? साथियों ने, गुरुजी ने, पिताजी ने या माताजी ने? तो छत्राणम ध्यानम तप गुरुजी ने ये उपदेश दिया हुआ था, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, करमवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? करमवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? मैट्रिक, स्नातक, केंद्रीय लोक सेवा, राज लोक सेवा? करमवीर राम परवेश ने परीक्षा में जो केंद्रीय लोक सेवा का जो है स्थान प्राप्त किया था, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया? स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया? वैदिक धर्म, सत्य, ज्ञान या शुद्ध तत्व ज्ञान? तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म प्रचार में अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया था, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था आपको बताना है, तो आपको हम बता दें कि स्वामी दयानंद का 1883 में जो है निधन हुआ था, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कर्तव्यम में कौन प्रत्यय है? कर्तव्यम में कौन प्रत्यय है? तव्यत, अनियर, क्लिमर, यत? आपके पास चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि कर्तव्यम में तव्यत प्रत्यय है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भूजोड़ स्थित में
कौन शब्द बनेगा, भवानी, भवनम, भवन, भवत, भू जोड़ स्रत से कौन शब्द बनेगा, भवानी, भवनम, भवत, भवन, भवत। तो आपके पास चार ऑप्शन है, भू जोड़ स्रत, भवत, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठक, ठत्र, यन, अड़। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा सामूहिकम, ठक शब्द जो है प्रत्यय है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा, मनुष्यता, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम या मनुष्यम। आपके पास चार ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा मनुष्य जोड़ त्व, तो मनुष्यत्वम आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भवानी शब्द में कौन सा स्त्री पड़ता है, भवानी शब्द में कौन सा स्त्री पड़ता है, डीप, डिशु, डिशम, ती। आपके पास चार ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा ए नंबर, यानी भवानी शब्द में डीप उस शब्द का स्त्री पड़ता है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मुसका का स्त्रीलिंग क्या होगा, मुसिका, मुसका, मुसकम, मुसी। तो आपके पास चार ऑप्शन है, मुसका का स्त्रीलिंग क्या होगा, मुसका, मुसका होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, मुद्दा, ओष्ट, दंत। देखिए पर्ग, पर्ग आपका क्या हो रहा है, आप उच्चारण करके देखिए, पर्ग, ओठ, ओठ आपका जो है हो रहा है उच्चारण, ओठ से पर्ग, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ओष्ठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पव, पव जोड़ अन, पव जोड़ अन का संधि क्या होगा, पवन, पवन, पावन, पान। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें, पावन, पावन, देखिए पवन, तो पावन आ रहा है आपका, पावन आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रभाव, प्राभव पद में कौन सा उपसर्ग है, प्र, प्रा, अप या प्रा। तो चार ऑप्शन है आपके पास, तो प्राभव, तो प्रा है आपका उपसर्ग जो है इसमें, प्रा है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कुत्र तव कर्णम किसने कहा, कुत्र तव कर्णम किसने कहा, बाघ ने, लेखक ने, पथिक ने, कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा, पथिक ने कहा था, कुत्र तव कर्णम, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो आपको हम बता दें कि व्याघ्र पथिक पाठ के रचयिता जो है, आपके पास चार ऑप्शन है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, बाढ़ भट्ट। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा व्याघ्र पथिक कथा, नारायण पंडित के पाठ के रचयिता हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बैर से बैर का समन क्या है, संभव, असंभव, नामभव, संभव। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा, बैर से बैर का समन जो है असंभव है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य पुत्र कौन था, भीम, अर्जुन, कर्ण या युधिष्ठिर। देखिए यहाँ पे भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर चारों भाई थे, लेकिन इसमें सूर्य पुत्र जो है कर्ण को कहा जाता था, ये महाभारत से है आपका, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सी नंबर, कर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निर्वोक्त के रचना
कान कौन है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, निर्वक्त के रचनाकार कौन है? रचनाकार, यहाँ आप लिखेंगे रचनाकार, यहाँ आपको कान लिखा गया है मिस्टेक से आपको, तो रचनाकार लिखेंगे। विश्वक निर्वक्त के रचनाकार कौन है? गौतम, प्राणी, वशिष्ठ, यास। आपके पास चार ऑप्शन है, तो आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा यास। निर्वक्त के रचनाकार जो है यास है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक, बालक, राजा या छात्र? आपके पास चार ऑप्शन है, छात्र जो है शिक्षक का अभिवादन करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि उपनिषद के रचनाकार जो है वेदव्यास हैं, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, काम, क्रोध, लोभ किसके द्वार हैं? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, कोई नहीं। काम, क्रोध और लोभ जो है नर्क के द्वार हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अपादाने अपादाने इस सूत्र के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? अपादाने इस सूत्र के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? तो आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा द्वितीया, तृतीया, पंचमी या सप्तमी। अपादाने जो है, अपादाने जो है आपको पंचमी स्थान है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, माता पितरों में कौन सा समास है? माता पितरों में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, दीर्घु या द्वंद? तो माता पितरों में आपको द्वंद समास है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? लत्या, लताया, लतयो, लतायो, लतानम। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा लता शब्द के जो है चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन जो है लतय है, आपका आंसर हो जाएगा लतायो सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अस्तु किस लकार का रूप है? अस्तु जो है किस लकार का रूप है? लट, लड, लोट, लृट। अस्तु जो है लोट लकार का रूप है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पूजनियम में कौन सा पड़ता है? तव्य, तव्यता, कत, अनियर। पूजनीयम, देखिए पूजनीयम में कौन सा पड़ता है? तो अनियरम, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुवम में कौन सा पड़ता है? गुरुवम में कौन सा पड़ता है? सग, सग्य, यत, त्रल, अड़। आपके पास चार ऑप्शन है, यशग, यत, त्रल, अड़। तो आपको हम बता दें कि गौरवम में जो है प्रत्यय जो है, गौरवम में प्रत्यय जो है आपका अड़ है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नेत्री में कौन सा प्रत्यय है? नेत्री में कौन सा प्रत्यय है? ड्रीन, ड्रीस, ड्रीप, इन। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा नेत्री, ड्रीप जो है प्रत्यय है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों अगला मॉडल सेट हमारा दो आपको बहुत जल्द आएगा, इसलिए दोस्तों आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मॉडल सेटअप 2 आपके जो है, अगर सब्सक्राइब बेल आइकन अगर आप किए रहेंगे तो अगला मॉडल सेट आपको मिल जाएगा हमारा बहुत जल्द आपको। इसलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। थैंक यू। राधे राधे।